तेलंगाना भर में आज रात से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से रात 8 बजे से ही कारोबारी इदारों को बंद करते देखा गया। खास तौर पर शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से कर्फ्यू के औकात से कबल कारोबारी इदारों को बंद करने की हिदायत दी गई थी। कर्फ्यू के निफाज के बाद रात 9 बजे के बाद दोनों शहरों की सड़कें सुनसान देखी गई। मसाजिदों में नमाज तरावी 9 बजे तक ही पढ़ाई गई। 9 बजे कई मसाजिद को बंद देखा गया। हुकूमत की जानिब से जिन इदारों को मुस्तस्ना करार दिया गया है वही खुले देखे गए। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में अहम सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पेश है इस खसूस में पुराने शहर और नए शहर के कर्फ्यू के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अहमद है, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद से। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक 9 बजे हमारे को टाइम दिया गया था और 9 बजे आप खुद देख रहे हैं मस्जिद को खुफल पड़ गया है। मुसल्लियों से रिक्वेस्ट कर लिए हैं और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से असद साहब की नुमाइंदगी हुई सुने में आया, तो जो भी गाइडलाइंस फिर से कल से आएंगे हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे मुसल्लियाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बोले वैसा सुने हैं जी, और कल से हम पूरा गाइडलाइंस पे चलेंगे। और आप देख लीजिए हमारी मस्जिद 3 फ्लोर भी जो है, और कल से जो है ईशा की नमाज 8 बजे होगी। कल हमारे कहने इंशाल्लाह कुरान भी ख़त्म हो जाएगी। तरावी क्या टाइम से क्या टाइम पे? 8 बजे ईशा है, ज़रा और पहले कर देंगे। उसके बाद हमारे कहने सिर्फ 2 पारे बचे, 2 पारे पढ़ लेंगे कल और उसके साथ ही दुआ हो जाएगी। सवा पारा चलेंगे और उसके साथ? अभी नहीं साहब, अभी कुछ तय नहीं हुआ। पहले एक दहा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जो है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जैसा है वैसा तय करेंगे इंशाल्लाह। आप मस्जिद के क्या है? मैं सेक्रेटरी हूँ।